सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कार पायनियर। मेरा नाम है अभिलाष, आप देख रहे हैं कार पायनियर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वैगन आर 2022 के बारे में, जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट कार है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आती है। बिल्ड क्वालिटी थोड़ा हल्का कह सकते हैं, बट फीचर्स एंड सब के साथ, माइलेज के साथ आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। ये गाड़ी इसकी शुरुआत होती है 6,39,000 से, एंड जो इसका टॉप मॉडल जाता है 8,21,000 तक, जो कि इसमें टोटल 11 वेरिएंट आते हैं। वैगन आर LXi इसमें 1 लीटर का इंजन आता है, एंड VXi में 1 लीटर का इंजन आता है। अगर आपको 1.2 लीटर का इंजन चाहिए तो आप ZXi के साथ जा सकते हैं। पहले ऐसा होता था 2017 में जो आती थी कार, उसमें था कि आपको 1 लीटर ही इंजन मिलेगा, बट इसमें क्या हो गया कि अब आप 1.2 लीटर इंजन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा किया कंपनी ने, जो कि आप अगर उसका पावर का आनंद लेना चाहते हैं तो आप 1.2 पे जा सकते हैं। और इसमें टोटल 8 कलर ऑप्शन मिलते हैं, आपको मैं आगे बताऊंगा। और ये जो एवरेज इसका आता है 24 का, एंड माइलेज आता है 21.5 का। ये इसका बैक से कुछ इस तरीके से लुक है, देख सकते हैं कितनी स्पोर्टी लुक दे रही है ये कार। तो इसमें जो टेल लैंप है इसकी थोड़ी और बड़ी कर देंगे, इससे और गाड़ी प्रीमियम लुक दे रही है। तो सामने बात करते हैं इसके, फ्रंट में इसके आता है सुजुकी का लोगो, एंड एक बड़ी सी ग्रिल आती है जो कि प्रीमियम लुक देती है कार को पहले से। बट मुझे लगता है कि पहले से इस कार को थोड़ा आगे से थोड़ा अजीब बना दिया गया है, बट कोई ना, चलता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्रंट का बम्पर, जिसमें दो हैलोजन का सेटअप है, हैलोजन बल्ब का, फॉग लैम्प का, और ऊपर जो है हेडलाइट है, उसके बारे में भी आपसे हम बात करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। आज आपको इस गाड़ी के मैं बारे में सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ये है इसके हेडलाइट, ये देखिए कितना स्पोर्टी लुक दे रहे हैं हेडलाइट, और नीचे उसके ब्लिंकर, जो कि लेफ्ट एंड राइट टर्न इंडिकेटर है, उसको ब्लिंकर कहते हैं। एंड यहाँ पे सामने देख सकते हैं आप फ्रंट का बोनट, कुछ इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है कि बीच में थोड़ा उठा सा लग रहा है, एंड साइड में थोड़ा लग नहीं रहा, वो है ही, थोड़ा उसको टिल्ट किया गया है, तो इसमें भी कुछ अच्छा लुक दे रही है। एंड अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट की, जो ग्रिल है देखिए कितनी अच्छी दे रही है। एंड इसमें आपको एक चीज़ और अच्छी लगेगी इस वैगन आर में, आपको इसमें अलॉय व्हील मिलेंगे। बट पहले क्या होता था, आपको कुछ नहीं मिलता था, 1 लीटर इंजन, कितना भी आप टॉप एंड वेरियंट ले लीजिए उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसमें LED टच स्क्रीन मिलेगी, डिजिटल मीटर मिलेगा आपको, RPM मीटर मिलेगा। RPM मीटर हालांकि उसमें भी मिलता था, बट उसमें लोअर वेरियंट में नहीं मिलता था। इसमें देखिए आपको ये 14 इंचेस के आपको अलॉय व्हील मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से सही है, ब्लैक कलर में है। और इसमें जो एक सुजुकी का कैप आता है वो बाद में लग जाता है, तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। एंड इसके जो फेंडर हैं उसको चेंज किया गया है, पहले क्या था बस एक टिल्ट कर देते थे, पूरा सीधा रहता था, कुछ नहीं, इसको थोड़ा अच्छा किया गया है। और हम बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की, तो इसके डैशबोर्ड में देखिए इसको अंदर से डुअल टोन डैशबोर्ड इसमें बनाया गया है, जो कि इसके इंजन को और इंजन यानी जो इसका स्टेयरिंग है उसको और स्पोर्टी लुक देता है। इसके स्टेयरिंग को भी इस बार चेंज किया गया है, इसमें कंट्रोल्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पे बात करते हैं इसके मीटर की, जो डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों में आता है। मुझे, मेरी चॉइस है कि मुझे डिजिटल मीटर अच्छा उतना नहीं लगता है जितना मुझे एनालॉग लगता है। मैं जब रेस खींचो तो जब सी ऊपर जाती है तो उसकी फीलिंग ही कुछ अलग होती है, उसकी बात ही कुछ और होती है। बट सही है, इसमें वो है, बट मेरे हिसाब से RPM मीटर भी उनको वही वाला देना चाहिए था, बट जो है सही है। अब हम बात करते हैं इसके टच स्क्रीन की, तो इसमें आपको एप्पल कारप्ले मिलेगा। हाँ, इसकी एक बात और है, इसमें आप म्यूजिक नहीं चला सकते, वो म्यूजिक नहीं, ऑडियो नहीं चला सकते आप। ऑडियो तो चला सकते हैं बट वीडियो नहीं चला सकते, आई एम सॉरी, आप इसमें वीडियो नहीं चला सकते हैं, जो कि ये एंड्रॉयड नहीं है, ये एप्पल कारप्ले है। इसमें इसको आप सिर्फ ब्लूटूथ से कनेक्ट करके म्यूजिक चला सकते हैं, वीडियो नहीं चला सकते आप, जो एक सही भी चीज़ है। और अब बात करते हैं इसके गियर नॉब के बारे में, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है, आपको ये मिलेगी, एंड मैनुअल में भी मिलेगी आपको। दोनों तरीके से आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, आपको जो अच्छी लगे। एंड इसमें जो पहले वाली वैगन आर से बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे देखिए फ्रंट में इसका जो ड्राइवर सीट है उसको हाइट एडजस्टमेंट का नॉब भी मिलता है, आपको हाइट उसकी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसका जो स्टीयरिंग है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें अच्छा किया गया है मेरे हिसाब से। और ये जो 2022 में आई है इसमें तो और ही अच्छा किया गया है, इसमें डुअल टोन दे दिया गया है, आप डुअल टोन में दो कलर ले सकते हैं, रूफ का कलर चेंज कर सकते हैं और कार का कलर अलग हो सकता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं उसके बैक सीट की, तो बैक में कुछ इस तरीके से सीटें मिलती हैं, हेडरेस्ट मिलता है इसमें, बट
ऑपरेबल नहीं मिलता है। यहाँ पे इसके बात करते हैं बूट की, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा बूट मिल जाएगा जो कि मेरे हिसाब से सही है, उतना होना चाहिए था जितना नहीं है, बट जितना भी है चलता है वैगन आर में। बट अगर आप सीएनजी या और कोई कार लेंगे तो उसमें तो ये सिलेंडर जो है फुलफिल हो जाएगा एंड बूट इसमें जो है चला जाता है। बट इसमें सीएनजी वेरिएंट भी आता है जो कि मारुति एस सीएनजी के नाम से आती है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये इसके बातें हैं इसका की लगाने वाला सॉकेट, इसको इसमें एक चीज़ इसमें पुश स्टार्ट बटन नहीं देते हैं जो कि मेरे हिसाब से इसमें इतने प्राइस के रेंज में इनको देना चाहिए इनके वेरिएंट के हिसाब से। बट जो भी है कंपनी को जैसा अच्छा लगता है वैसा ही अच्छा लगता होगा, बट मुझे ये भी सही है। इसको भी देख सकते हैं आप, मैनुअली है जैसे भाई पुश स्टार्ट की तो फीलिंग ही अलग है, क्लच दबाया पुश किया स्टार्ट हो गई, बट जो भी है सही है। अब हम बात करते हैं इसके वाइपर्स के कंट्रोल के एंड लाइट के कंट्रोल की। तो राइट साइड में आपको लाइट के कंट्रोल मिलेंगे, इसमें आपको हेडलैम्प फॉग लैम्प एंड बीम लो हाई एंड लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर एंड ब्लिंकर को आप जला सकते हैं। और हम दूसरी तरफ बात करेंगे इसके वाइपर की, तो वाइपर में जो इसका है अगर आप नीचे करेंगे इसको हल्का सा तो एक बार चलेगा, अगर आप बिल्कुल ऊपर करेंगे तो एक बार चल के ये बंद हो जाएगा। तो इसमें देखिए कितना अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है वाइपर के कंट्रोल की तो मेरे पास स्विफ्ट ZX है 2020 मॉडल है, उसको आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, पूरा मैंने बताया है। एंड ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसकी नोब है, बहुत ही स्पोर्टी लुक दे रही है। और एक चीज़ में और है, इसमें हाइट सीट की तो हाइट एडजस्ट कर सकते हैं बट स्टेयरिंग को हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं जो कि पहले नहीं होता था, बट इसमें कुछ ऐसा हो गया है तो पर्सनली मुझे ये अच्छा लगा है। भाई हर तरीके के आदमी गाड़ी चलाते हैं, कोई लंबा है कोई छोटा है कद का है, तो उन सब के लिए मेरे हिसाब से सही है, बहुत अच्छा है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एसी के बारे में। यहाँ पे आपको मैनुअल एसी ही मिलेगा, आप कोई सा भी वेरिएंट ले लें। तो इसमें आप देख सकते हैं जो डिजायर एंड मारुति के जो भी जितने भी एसी आते हैं वो सेम तरीके से वर्क करते हैं। एंड हम बात करते हैं इसके 12 वोल्ट चार्जर एंड यूएसबी ऑक्स के बारे में। आप यहाँ पे इसको मैनुअली कोई भी अपनी पेन ड्राइव को चला सकते हैं, यूएसबी केबल लगा सकते हैं एंड आप अपनी कार के चार्जर से उसको चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे हैंड ब्रेक मिलने वाला आपको हर तरीके से, हर मॉडल में जितने भी आते हैं हैंड ब्रेक, ये भी पार्किंग ब्रेक है ये, इसको आप ये आपको मिलेगा। इसमें अच्छा लुक दे रहा है ये, पहले जो आता था उसमें अलग सा डिज़ाइन बना था। इसमें आते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो कि आप स्टीयरिंग से ब्लूटूथ को कॉल को कनेक्ट कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड आप यहां पे म्यूजिक को ऑपरेट कर सकते हैं, वॉल्यूम लो एंड हाई कर सकते हैं, FM को चला सकते हैं, यानी मैनुअली जितने भी आप कर सकते हैं स्टीयरिंग से वो सब हो जाएंगे। ग्लो बॉक्स यहां पे अच्छी सी स्पेस मिलने वाली है आपको, ग्लो बॉक्स भी जो कि अच्छा है। मुझे याद आ रहा है कि पहले वाली जो वैगन आर थी मेरे मामा जी के पास है, तो उसको आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर के लिए बोनेट वो ओपन होता है, ग्लो बॉक्स अच्छा है, उसमें दो ग्लो बॉक्स आते हैं। तो हम बात करते हैं इसके विंडो की, तो इसमें आपको चारों पावर विंडो मिलेंगे एंड साइड के जो ORVM है वो आपको ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल मिलेंगे एंड फोल्डेबल मिलेंगे। ये चीज़ मुझे इसमें पर्सनली अच्छी लगी है। अगर आप इसको VXI भी लेते, अब तो लोग क्या करते हैं VXI ले लिया, LXI ले लिया, उसको टॉप में कन्वर्ट करा लिया, भाई आफ्टर मार्केट कितना भी लगवा लो आपको जो कंपनी से लग के आती है उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके अंदर के रूफ़ की, तो यहाँ पे आपको पूरी रूफ़ मिलेगी आपको, यहाँ पे जो हैंडल मिलेंगे आपको पकड़ने के लिए जो ऊपर लगे हैं, तो ये आपको अच्छा अंदर से लुक दे रही है ये जो वाइट कलर है। एंड हम बात करते हैं इसके फ्रंट के डोर के बारे में, डोर पैडल जो कि इस तरीके से आपको मिलने वाला है। इसमें आप नीचे स्पीकर मिलेगा आपको, बॉटल होल्डर मिलेगा एंड एक विंडो अप डाउन का बटन मिलेगा एंड इसको मैनुअली ऑपरेबल ये डोर ओपनर मिलेगा। यहाँ पे कुछ अच्छा लुक है इसका। एंड हम बात कर लेते हैं इसके कलर के बारे में, तो इसमें टोटल 8 कलर ऑप्शन आते हैं। पहला है सॉलिड वाइट एंड सेकेंड नंबर पर आता है हमारा पूल साइड ब्लू एंड थर्ड नंबर पर आता है हमारा देख सकते हैं मैग्मा ग्रे एंड फोर्थ नंबर पे आता है हमारा मैग्मा ग्रे ब्लिथ डुअल टोन, ब्लैक रूफ में आता है इसमें, यानी मैग्मा ग्रे है और इसमें ब्लैक रूफ मिलेगी आपको। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा सिल्की सिल्वर एंड सिक्स नंबर पे आता है हमारा नूटमेक ब्राउन एंड सेवन्थ नंबर पे आता है हमारा गैलेंट रेड एंड एट्थ नंबर पे आता हमारा गैलेंट रेड प्लस ब्लैक रूफ। आपको ब्लैक रूफ दो वेरियंट ऑप्शन में मिलेगी, मैग्मा ग्रे में एंड गैलेंट रेड में, ये चार, ये इतने 8 कलर ऑप्शन हो गए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।